गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा बहुत एक इम्पोर्टेंट जॉब के बारे में, जो है UPPCL। तो UPPCL क्या है? तो एक्चुअली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पावर मतलब कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसी के ऊपर आपको जॉब ऑफर करा है। टोटली जो जॉब है वो अराउंड 24 वैकेंसीज है, और वो भी देखिए मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए पोस्ट है। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दो जॉब्स के अपडेट आपको डेली बेसिस इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। सुबह 7 बजे एक जॉब और दोपहर की 1 बजे और एक जॉब। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से जो रिकमेंड किया जा रहा है वो एक्चुअली मतलब ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इंडिया में किसी भी जगह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जॉब मिलेगा जो वो उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा, और जॉब का जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा वो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होगा। और टोटली 24 वैकेंसीज है, और 24 वैकेंसीज में आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल असिस्टेंट ग्रेड है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का टोटल पोस्ट है, और फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो होगा वो एक्चुअली देखा जाए तो 21 से 40 ईयर्स तक, और ओबीसी के लिए 21 से 43 ईयर्स तक, एससी एसटी के लिए 21 से 45 ईयर्स तक। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो बहुत अच्छा खासा एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीडियर रहेगा वो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो इस दोनों चीज के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। और तीसरी बात, कंपनी के जो सैलरीज है वो 35,400 से 1,00,000 12,400 तक आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। और एक चीज, एप्लीकेशन का जो फीस है वो आप देखेंगे तो अराउंड आप इसका देखिए जनरल ओबीसी के लिए 1,180 रुपीज पे करना होगा, और अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी इस सेम टू सेम 1,180 रुपीज है। एस सी एस टी के लिए 826 रुपीज है, फिजिकल हैंडिंग के लिए 12 मतलब टोटली फीज आपको देना होगा, और ये जो फीस है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आप ग्रेजुएट डिग्री जो कोर्स मतलब आप कंप्लीट कर चुके हैं कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 60% मार्क्स लेकर आपको मतलब स्टेनोग्राफर का हिंदी में स्पीड और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपको 30 WPM होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। देखिए 30 WPM एक नॉर्मल स्पीड है, आप अगर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जानते हैं तो आपके लिए एकदम नॉर्मल स्पीड है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें 45, 50, 55, 60 अप टू 60 तक आपको टाइपिंग स्पीड मांगा जाता है, तो मेरे हिसाब से 30 बहुत कम है। तो इस जॉब के लिए आप जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि 15 जून से पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई कैसे करेंगे, उसका स्टेप यहाँ पे दिया गया है, फिर भी एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कहाँ से चेकआउट करेंगे, देखिए अप्लाई ऑनलाइन और नोटिफिकेशन, इस दोनों लिंक अलग अलग है, कोई भी एक लिंक में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग लिंक में अलग अलग मतलब एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज सीखने को और देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फर्स्ट आप नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन के सारे की जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा। तो आप जिस मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्टेप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो रिक्रूटमेंट है उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।